हाय गाइस, आज मैं आपको एक मैंने आपको मूली का अचार पीसेस कट करके बताया था, ये मैं कद्दूकस करके बताऊंगी। ये अचार जैसे चटनी की तरह होता है उस तरह होता है, इसको भी आप रोटी पराठे से खा सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले जो है हमने मूलियों को ये छील इसके छिलके निकाल लिए हैं। अब उसको मैं सारी मूलियों को इस तरह से इसमें कद्दूकस करूँगी। इस तरह से मैंने जाली का बर्तन लिया है क्योंकि इसमें जब कद्दूकस करेंगे तो जिसका पानी होगा एक्स्ट्रा पानी उसको इसमें से आराम से निकल जाएगा। उसके बाद इसको 5 मिनट के लिए हम धूप में रख देंगे कि इसका पानी सारा सूख जाएगा। उसके बाद मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। ये देख सकते हैं, अब मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है। तो इसका मैं पानी जो है इस तरह से एक्स्ट्रा पानी मैं इस तरह से निकाल दूँगी इसका। ये देख सकते हैं कितना पानी इसमें रहता है। ये पानी को मैं अच्छे से निकाल दे रही हूँ और निकाल के इसी में मैं अच्छे से धूप में रख दूंगी, थोड़ा सा इसका पानी सूख जाएगा। कद्दूकस किया हुआ है, ये हमारा पानी एकदम सूख चुका है, हमने धूप में थोड़ा सा रखा था। उसके लिए हमने ये तेल पैन में तेल गरम कर रहे हैं और इसमें जो है तेल गरम हो चुका है तो 1 पिंच इसमें घी डालेंगे। उसके बाद जिस तरह से हमने मूली के अचार का मसाला तैयार किया हुआ था वही सेम मसाला मैंने रखा हुआ है, उसी को मैं इसमें डाल दूँगी। इसलिए मैं डाल दूँगी उसी तरह से सारे मसाले। आप चाहें तो मेरे पिछली वीडियो में जो मैंने बनाने का तरीका भून के पीसने का बताया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं तो पिछले बार मूली का अचार। अब इस तरह से जब हम मसाले हमारे पहले से एक तो मिक्सचर है इसलिए अब मैं इसको मूली को इसी में डाल दूँगी। और जिन लो फ्लेम में मैं आँच को रखी हुई हूँ, उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा करके टेस्ट के साथ ही मैं थोड़ा नमक भी डाल दूँगी क्योंकि थोड़ा ही है, उसमें हाफ टी स्पून नमक डाल दूँगी। इसमें भी मैं आधा नींबू रस डाल दूँगी, आधा नींबू का रस। उसके बाद ये मेरा तैयार हो चुका है, इसको मैं ठंडा होने के बाद इसको जार में भर के रखूँगी। आप इसको भी बनाइए और रोटी पराठे या चार के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।